वहाँ के फरीदाबाद के लोगों ने दिया है तो उसकी जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी होगी और इसका उत्तरदायित्व भी बड़ा होगा। तो मित्रों, आपके आशीर्वाद से मुझे पार्टी ने 1.5 साल बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और 3-3 बड़े मंत्रालय देने का काम करा। पार्टी के वोट से जो इतना बड़ा मार्जिन आप लोगों ने दिया कि मैं इतने सारे फंड लेकर आ सका, अगर 25-30 साल की तुलना भी करें तो इतने पैसे फरीदाबाद विधानसभा के अंदर नहीं। समस्या बड़ी कैसे जानते थे कि फरीदाबाद हमारा एक उपेक्षित राजनीतिक उपेक्षित क्षेत्र था। यहाँ पर जहाँ क्षेत्रवाद के नारे के तहत और राजनीतिक उपेक्षा के तहत फरीदाबाद अपना जो गौरव था वो खो चुका था, वरना फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पर एक स्थान रखता था और सुनहरी अक्षरों से उसका नाम लिखा जाता था, एक इंडस्ट्रियल सिटी कहलाती थी। लेकिन उसके विकास को रोकने का काम पूर्व की सरकारों ने किया और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दशहरा ग्राउंड के अंदर आए, हम सब लोगों ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दोगे, फरीदाबाद गति पकड़ लेगा और फरीदाबाद के अंदर विकास के अंबार लगा देंगे। तो मित्रों, मेरे को आज कहते हुए गर्व हो रहा है कि 5 साल पूरे हो गए फरीदाबाद के अंदर, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे नोएडा और गुरुग्राम से उसकी कनेक्टिविटी की बात हो, सभी को दुरुस्त करने का काम, सभी को बढ़िया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मित्रों, एक बहुत बड़ा पैसा जो फरीदाबाद के लिए स्मार्ट सिटी बनाकर, कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का तमगा देकर पूरे देश के अंदर एक अलग शहर विकसित करने का नारा माननीय मनोहर लाल जी ने दिया। इसके अलावा आपने देखा इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट और दुनिया भर के यहाँ पर 2200 एकड़ में पड़ी हुई INT जो कि सिर्फ बात जो रही थी कि वो कब डेवलप हो, कब उसके अंदर इंडस्ट्रियां लगे, उसको बसाने का काम करा माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपने बनाई थी, आपके आशीर्वाद। तो मुझे इस क्षेत्र के लिए भी, इस पटेल नगर प्रेम नगर के लिए भी, प्रेम नगर पटेल नगर के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अनेकों काम हम लोगों ने किए। 4.5 करोड़ रुपए की लागत, ज्यादा की लागत से मुझे अच्छे तरीके से पता है, माताएं बहनें आती थी कि मंत्री जी हमारे बच्चों का पैर फिसल जाता है, जब हम यहाँ पर काम करते हैं निकलते पड़ते हैं तो हमारा बारिशों के अंदर पैर निपटता है, सीधे के सीधे नहर के अंदर जाने का काम होता है, उससे हमें मुक्ति दिलाई जाए। तो मित्रों, 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से एक ग्रिल बनाने का काम किया, नहर के साथ साथ ग्रिल लगने का काम हुआ। इसके अलावा यहाँ पर चाहे गुड़ियर वाली 3 करोड़ रुपए की रोड हो जिससे 4 आर के लोग सुगमता से मथुरा रोड से आ जा सके, वो बनाने का काम किया। और इसके अलावा कौन से बता रहा हूँ, चिंता मत करो, मैंने